सब। चलो बेटा आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब इधर छोड़ो, ये आपका पार्ट तीन है बेटा, पार्ट तीन, दो चर वाले। रैखिक क्या बेटा? टेंथ की है। रैखिक समीकरण यू क्या? ये मैथ ही बेटा, पार्ट तीन, दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण देखो, अभी पिछले चैप्टर में तुम पढ़ के आ रहे हो बहुपद, उसमें तुमने कुछ चीजें पढ़ी है, पहले वो रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं। जो जरूरत पड़े पहले लिख लो, चैप्टर का नाम डाल लो, फिर आगे चलो। लगता है पिछले वीडियो बना दिया लेकिन उसमें आवाज लगाना भूल गया। चलो ठीक है, देखते हैं, चेक कर लेंगे उसमें। हो गया बेटा, इसमें देखो लिखा गया है चर। मैंने दो चीजें इस उसी बहुपद में ही बता दिया था कि चर क्या होता है। क्या होता है कोई बता सकता है? चर जो बदल जाए। ठीक, चर वो चीज होती है जो बदलती रहे टाइम के हिसाब से। जैसे हमारे पास वेरिएबल होते थे एक्स वाई जेड, ये सारे क्या होते हैं? चर होते थे। बदले। और जो बेटा अचर होते हैं वो क्या होते हैं? जो बदले ना नंबर्स। ठीक है बेटा, जो नंबर। ठीक, और यहाँ पे देखो रैखिक समीकरण का मतलब, देखो हमने बताया था बहुपद में जब एक्स की घात वन होती थी तो उसे रैखिक समीकरण बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक बेटा, अब यहाँ पे बोला है उसने दो चर होने चाहिए। कितने चर होने चाहिए? दो चर। एक हमने x ले लिया, एक हमने y ले लिया, दो चर हो गए। और इसमें बोला रैखिक समीकरण होना चाहिए, यानी इसकी भी पावर वन होनी चाहिए, इसकी भी पावर वन होनी चाहिए। ये जब दोनों आएंगे x और y दोनों एक साथ आएंगे तो ऐसे जब समीकरण बनेंगे वो बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी पे बेस्ड में एक्स वाई हमेशा देखने को मिलेंगे इस सारे क्वेश्चन में, यानी इस चैप्टर में यही सारे देखने मिलेंगे। पहले एक्स को कैसे वाई से रिलेट करेंगे। ठीक है, ज्यादा तीन पांच ना करते हुए सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो बताते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे एक एग्जांपल लिखो मेरे साथ, फिर उसको सॉल्व करते हैं हम दोनों मिलकर। उदाहरण नंबर वन है, इसमें बोला गया है कि अखिला अखिला मेले में अखिला मेले में 20 रुपए लेकर जाती है, 20 रुपए लेकर जाती है। क्या कर रहे हो तुम? अखिला मेले में 20 रुपए लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी और वह चरखी चरखी की सवारी चरखी की सवारी करना तथा करना तथा हुपला, कोई गेम है हुपला, खेलना चाहती है। क्यों बैठे हो? लिखो, यही करो तुम, लिखो, कोई अलग नहीं है। हुपला खेलना चाहती है, इन स्थितियों को बीजगणितीय
बीजगणितीय तथा ग्राफी ग्राफी या ज्यामिति। हाँ एक मिनट मैं सही से स्क्रॉल कर देता हूँ। ग्राफी या ज्यामिति रूपों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन लिख लिया सबने? देखो क्या लिखा गया। अखिला मेले में 20 रुपए लेकर जाती है और वह चरखे की सवारी करना चाहती है और तथा हुपला खेलना चाहती है। इन स्त्रियों को बीज गढ़ती उसके पास टोटल कितने रुपए हैं? 20 रुपए। लेकिन ये क्वेश्चन देखो अधूरा है क्योंकि इस क्वेश्चन को ना बुक में रखा गया है। इसके ऊपर मैं वो कहानी पढ़ता हूँ, आप सुनो। देखो इसमें लिखा गया है कि अहिला, जो क्वेश्चन स्टार्टिंग से वो लिखा गया है, अखिला अपने गाँव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला एक गांव, एक खेल जिसमें आप एक स्टाल में रखे, मतलब वो बताया गया है कि उस गेम में होता क्या है। ठीक है, जैसे कि नहीं होता है कि छल्ले लगा करके लोग रखे होते हैं उसमें 20 रुपए 30 रुपए ऐसे लिखा होता है, वो छल्ले फेंकते हो जिसपे पड़ता तो वो आप जीत जाते हो। हाँ ठीक भाई, तो खेलना चाहती है। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। समझ रहे हो? कह रहा है कि जो हुपला खेलोगे तो यहाँ से देखो मैं उसको लिंक करता हूँ क्वेश्चन को। जैसे उसने बोला कि जो हुपला खेल रहे हो, मान लेते हैं हुपला को तुम एक्स बार खेल रहे हो। एक मिनट में देख लो इसमें बोला गया कहाँ गया। जितनी बार उसने हुपला खेला, हुपला मान लेते हैं एक्स बार खेला, ठीक है, तो और मान लेते हैं जो चरखे की सवारी करेगी उसके कितना, उसका आधा करेगी। तो अगर मान लेते हैं वाई करता है तो यह वाई किसके बराबर होगा? एक्स बाई टू के ना, यही तो रिलेशन बता रहा है। ये खेलना चाहती है और इतना हाफ करती है। ठीक है, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हुपला के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं? 4 रुपए और चरखे के लिए 3 रुपए। और उसके पास टोटल रुपए कितने हैं? 20। ठीक है, तो ये बोला गया 4 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो आप कैसे ज्ञात करेंगी कि उसने कितनी बार चरखी? तो ये बताना है उसने चरखी कितनी बार चलाई होगी या खेली होगी और कितनी बार हुपला खेला होगा। मान लेते हैं हुपला उसने एक्स बार खेला और जो चरखी चलाई उसने वाई बार खेला। यही दो चीज थी। उसके पास टोटल कितने रुपए हैं? 20 रुपए। इसको हमें रिलेट करके लिखना है। ठीक है, देखो इसको कैसे लिखेंगे। तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए हैं? 20 रुपए। और इसको दो ही चीज में खर्च कर रहे हो, एक तो हुपला खेल रहे हो उसको मैंने लिख दिया एक्स, और दूसरा आप चरखी चला रहे हो मान लिया वाई। ये दो चीजें हैं। अब यहाँ पे ये बोला गया बेटा रिलेशन में जितने तुम्हारे पैसे किसमें लग रहे हैं? ये चरखी चलाने में लग रहे हैं। चरखी में 3 रुपए लग रहे हैं। एक बार में 3 लगेंगे तो वाई बार खरीदोगे 3 वाई लगेंगे। जैसे तुम एक बार अगर चरखी पे जाते हो तुम्हें 3 रुपए देने पड़ेंगे, दो बार जाओगे तो 6 रुपए, और 3 बार जाओगे ऐसे, अगर वाई बार जाओगे तो 3 गुणा वाई कर देंगे। वैसे ही अगर एक बार में तुम्हें 4 रुपए हुपला लगाने पड़ रहे हैं तो 2 बार में 5, 6 बार में 8, उसके बाद 12, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दे, यानी ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी 20 रुपए हमारे इन दोनों के ऊपर करने, ये इसके क्वेश्चन हो जाएगी। यही होता है बीजगणितीय रूप। बीजगणित में हमने लिख दिया, बीजगणित में क्या होता है एक्स और वाई आ जाते हैं। समझ में आई बात? और ये दोनों देखो चर है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। लेकिन अभी हम ये दिखा रहे हैं, हमने अभी तक ये नहीं निकाल पाए एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट, कितनी बार उसने हुपला खेला और कितनी बार उसने चरखी चलाई अभी भी पता नहीं है। उसको सॉल्व करना है, तो उसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो वो उसने क्वेश्चन में बताया था, उसने बताया था जो हुपला है
उपला एक्स है उसका आधा क्या हो रहा है चरखी चरखी ना देखो 4x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है x बाई टू है तो x बाई टू रख दो और ये 20 के बराबर रख दो इसको सॉल्व करो तो ये जाएगा 4x और इसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 3x तो देखो एलसीएम लोगे 2 तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ नीचे आ जाएगा 2 2 को मल्टीप्लाई 4 में 4 दूनी 8x प्लस ये 3x तो ऐसे रहेगा तो 8 3 11x ना 11x बटे 2 ना इसके बाद क्या होगा इसके बाद तुम्हारा इधर आ जाएगा ये हो जाएगा 20 गुणे 2 बटे 11 बराबर x तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा x और y की वैल्यू आ जाएगी अगर x की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी तो वहां से y की वैल्यू निकल जाएगी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है देख लो एक बार बोलो ठीक है तो ये सॉल्व करने एक्स वाई मिलेगा आगे चले देखो अब इसको देखो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे जैसे यहां पर देखो कोई सा भी इक्वेशन लेते हैं जो इक्वेशन था मान लेते हैं 3x प्लस 4y ये बराबर 20 है कोई ना ऐसे बहुत क्वेश्चन आएगा भी देखो तो इसको ग्राफ में कैसे करोगे देखो ये x होता है ये y होता है ना अब यहाँ पे x y किस पॉइंट पे कटेगी ये देखो एक रैखिक समीकरण है रैखिक मतलब सीधी जाएगी तो देखो इसमें कैसा y कहाँ कटेगा x कहाँ देखो यहाँ पे अगर x वाली लाइन पे चलते हैं तो हमें पता है y जीरो होता है x वाले पे क्या होता है y जीरो होता है और y वाले पे x जीरो देखो यहां से क्या हो जाएगा तो अगर मैं y जीरो कर दूं तो 3x बराबर किसके बराबर आएगा 20 के तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 20 बाई 3 के ठीक है इसमें मुझे लगता है ना इसकी वैल्यू चेंज करके रखी है उसमें ऐसा दिया एक मिनट मैं बता देता हूँ क्योंकि वो कटना चाहिए देखो वैसे कोई ना कटे ना कटे क्या फर्क पड़ता है यही करते हैं देखो तो ये आ गया x की वैल्यू आ गई इसका मतलब मान लेते हैं अगर इसको सॉल्व करोगे 3 6 18 फिर 0.33 ऐसे करके जाएगा जो भी है ना 3 6 18 2 यानी 6 जाएगा अगर मान लेते हैं तो यहाँ पर आएगा मान लेते हैं 6.66 ठीक है वैसे ही अगर इसको करोगे x जीरो करोगे तो y की वैल्यू निकलेगा तो 5 y की वैल्यू कितनी आएगी 5 क्योंकि 20/4 करोगे 5 आएगा तो 5 कुछ यहाँ से तो मतलब इन दोनों को जो मिला दोगे ना बेटा वही स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और यही इस वाले इक्वेशन को दिखाएंगे 3x प्लस 4y बराबर 20 ठीक है ज़्यादा दिल पे मत लो अभी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा ये पहला है इसलिए तुम लोग परेशान हो अच्छा देखो यहाँ पे दो लाइन है सपोज करो हम यहाँ पे खींचते हैं दो देते हैं लाइन पहला मान लेते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 ये पहली सीधी लाइन है रेखिक लाइन है स्ट्रेट लाइन है और दूसरा हो जाता है a2x प्लस b2y बराबर c2 ये दूसरी हो जाएगी अब मुझे दो लाइन खींचनी है सपोज करें तो ये अगर हमारी पहली लाइन है ठीक और इसके नीचे यहाँ पे चलो ठीक अभी इधर करते एक लाइन ये हो गई एक तीन केस तीसरा केस यहाँ बना देते हैं तीन केस बना दिया अब देखो दो लाइन को कैसे कैसे खींच सकते हो मान लेते हैं दूसरी लाइन भी इसी पे आ जाए हमारी दूसरी लाइन भी खींचे इसी पे आ सकती है कोई जरूरी इतना ही है आ भी सकती है आ सकती है
दूसरी लाइन हो सकता है इसको कट कर दे ना, कट करते हुए जाए, हो सकता है तीसरी लाइन इसके साथ ऐसे सीधे सीधे निकल जाए, ये तो केस बनेंगे, और कोई केस बनेंगे? इसको देखो, ये इसको कितनी बार कट कर रही है, इनफाइनाइट बार, अनंत बार कट कर रही है, और ये किसको कितनी बार कट कर रही है, एक बार कट रही है, और इसको जीरो बार कट ही नहीं कर रही है। यही पूछा जाएगा, कैसे देख के पहचानोगे कि कोई लाइन एक भी बार नहीं कट कर रही है, कोई एक बार कट कर रही है, कोई इनफाइनाइट बार कट कर रही है? ठीक है, देखो ये जो एक दूसरे के ऊपर लाइन खींच जाती है उसको बोलते हैं बेटा संपाति, क्या बोलेंगे? संपाति रेखा। ये संपाति किस्मत है, जो एक बार कट करता है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेद मतलब छेद करते हुए निकल गए, ठीक है, प्रतिच्छेदित करते हुए निकल गए या प्रतिच्छेद करते हुए निकले। और ये जो दोनों एक दूसरे के, इसको बोलते हैं समांतर केस, क्या बोलेंगे बेटा? समांतर रेखाएं, इसको बोलेंगे संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदित रेखाएं, रेखाएं भी आ गई। ये तीन केस बना लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समांतर रेखाएं। आदर्श हो गया कि जग रहा है? हाँ मुझे लग रहा है, अभी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। नए चैप्टर पढ़ाने में स्टार्टिंग में थोड़ा बिल्डअप करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अगर तुम्हें ये पढ़ना आता तो तुम टेंथ में क्यों आते, सिक्स इलेवन तुम ना जाते, तो टेंथ में आया थोड़ा समझो, और शाम का टाइम है घूमने फिरने वाला। हाँ जाओ बेटा, घर जाओ, यही रहोगे। समझ में आ गई बात? एक दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से शायद चलेंगे। हो गया बेटा? चले आगे, चलो बेटे नेक्स्ट एग्जांपल करो, लिखो लिखो, अब की बात से ठीक है। तुम इधर आओ, तो यहां सामने बैठो, छिप जा रहे हो भाई, मच्छर जैसे। लग जाएगा, क्या ठीक ठाक रिकॉर्डिंग चल रहा है? हो गया बेटा? यस सर। चलते हैं, देखो पहला एग्जांपल हो गया, अब देखो दूसरा एग्जांपल आएगा तो आप और थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे, तीसरा आएगा तो और अच्छे से, नए नए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, एग्जांपल ये आपका, इसमें लिखो, अरे यार क्वेश्चन ही कट गया, जस्ट मिनट, लिखो बेटा इसमें लिखो, रेमिला, रेमिला नहीं रोमिला, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई, रोमिला एक स्टेशनरी दुकान में गई, रोमिला एक स्टेशनरी दुकान में गई और नौ रुपए में दो पेंसिल, नौ रुपए में दो पेंसिल तथा
तीन रबड़ खरीदी। संभव संभव छोड़ो, खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने उसकी सहेली सोनाली ने उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की सोनाली ने रोमिला के पास रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी, उसको लगा उसके पास कैसे रह सकती है, हमें भी खरीदना चाहिए। और उसने भी 18 रुपए में चार पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी और इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ये केस समझ में आ गया क्वेश्चन का। और 6 रबड़ खरीदी। एक बार क्वेश्चन अपने मन से पढ़ लो अपने कॉपियों में। रोमिला एक स्टेशनरी दुकान में गई, यहां तक छोड़ दो, आगे चलते हैं। उसके बाद उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। देखो उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 9 रुपए। 9 रुपए में वो दो चीज खरीद रही है, पेंसिल को हमने मान लिया एक्स, रबड़ को मान लिया हमने वाई, ये दो चीज खरीद रही है ना। लेकिन कितने रुपए के, सॉरी कितने, दो पेंसिल खरीद रही है, उधर नंबर। लेकिन मान लेते हैं पेंसिल का दाम एक्स रुपया है और रबड़ का दाम वाई रुपया है। अगर एक्स रुपए की एक पेंसिल खरीदोगे तो एक्स 2 रुपए खरीद, दो पेंसिल के लिए कितने आएंगे, 2x, उसका दोगुना पैसे लगाओगे। अगर एक पेंसिल में वाई तो 3 पेंसिल में 3y ना, यही करोगे। अब इसके बाद जो दूसरी लड़की थी रोमिला, उसने क्या किया, 18 रुपए में उसने पैसे को दोगुना कर दिया, 18 रुपए लगाए। अब पेंसिल कितने खरीद ली, 4। पेंसिल को हमने क्या बोला था, एक्स, पेंसिल को मैं लग दूंगा एक्स और रबड़ को वाई, तो ये हो गया एक्स और ये वाई। उसने पेंसिल कितनी खरीदी, 4। रबड़ कितना खरीदा, 6। अब ये 2 क्वेश्चन बन गए, समझ में आ गई बात। यस सर। अब तुम्हें ये बताना है ये किसका केस था, रोमिला का। यस सर। और ये वाला केस सोनाली का। सोनाली। अब ये बताना हमें कि रोमिला ने कितना पेंसिल खरीदा और कितना रबड़ खरीदा। 5 रबड़ 5 10 सोनाली का हो गया। अब दूसरा देखो, अब ये बताना है कि 2 रबड़ खरीदने में उसने कितने पैसे दिए, सॉरी 3 रबड़ खरीदा ना, तो 3 रबड़ खरीदने में उसने कितना रुपए लगाए होंगे। या फिर ऐसे बताओ 1 रबड़ का दाम कितना था, 1 रुपए 50 पैसे। अच्छा, चलो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। ए बदमाशी नहीं, देखो जो तुम्हारे पेपर में सॉल्व करना तो अभी नहीं बताया, उन्होंने ये बोला है कि इसको बीजगणित में लिखो। बीजगणित हमने एक्स वाई में लिख दिया,
इसको उन्होंने बोला ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, ठीक है, क्या करो ग्राफ में, लेकिन ग्राफ आप छोड़ो, लेकिन हमें तो बाद में नहीं कभी ना कभी तो निकालना ही पड़ेगा ना, कितना रबर, कितने रुपए की पेंसिल खरीद लाई, कितने रुपए का रबर खरीद लाई, वो तो हमारा बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले वो खरीदने, मतलब वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो वो सॉल्व कैसे करते हैं, एक मिनट अब बताओ जो भी तुम कह रहे हो। एक देखो एक्स और वाई के हमें वैल्यू निकालनी है, क्या इतने कितने रुपए की पेंसिल लिया, इतने कितने रुपए का रबर लिया, बस इतने लगाना है। तो देखो हमने कहा, देखो देखो करते कैसे, ये देखो हमें दोनों में से किसी एक को बराबर करना पड़ता है। अगर हमें x निकालना है, चाहे x को बराबर कर दो या फिर y को बराबर करो, उसके बाद घटा देते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहां पे देखो बेटा x कितना है, चार है, x का कोफिशियंट कितना है, गुणा कितना है, यहां x का गुणा कितना है, तो हम चाहते हैं x का गुणा बराबर आ जाए, तो क्या करेंगे, चार कैसे आ सकता है यहाँ पे, दो से मल्टीप्लाई, और एक में नहीं अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में दो से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन में, समझ में आ गई बात। तो जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं यहाँ पे लिख दूं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे देखो हमारे पास था 3x, यही था, नहीं 2x, 2x था प्लस 3y बराबर 2x था प्लस 3y और ये किसके बराबर था 9, 4x प्लस 6y, ये किसके बराबर था बेटा 18, ठीक है क्या, अभी बहुत टाइम बैठ रहे हो, अब देखो अब सुनो बस, देखो बेटा तो अब हमने कहा चाहे x को बराबर कर दो या फिर y को, हम x को बराबर करके देखते हैं, तो यहाँ पे चार है, हम चाहते हैं यहाँ पे भी चार आ जाए, तो इसलिए दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, देखो दो में दो दुनी चार, चार एक्स प्लस दो तिहाई छः वाई, दो नवा अठारह, सही है, और ये कितना हो गया चार एक्स, और ये सिक्स वाई, और ये अठारह था, यहाँ पे कुछ दिख रहा तुम्हें, एक्स वाई की वैल्यू पता लगा सकते हो, एक्स वाई की वैल्यू पता लगा सकते हो कैसे, प्लस नहीं उसके बाद करने के लिए बेटा दोनों में से घटाना होता है, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, इसको कैसे सॉल्व करोगे सर, जोड़ लेते हैं x और y के भी पहलू चाहिए, मतलब वो उसने क्या किया, दो गुना पैसे लगाए उससे जितना पास था, जैसे कि आप देखो टोटल उसके पास 9 रुपए थे, अगर उसने पैसे डबल कर दिए तो उसके जो सामान थे उसके उसने डबल ले लिया, पैसे उतने लग रहे हैं x और y की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर और सॉल्व करने के लिए देखो, अगर मैं इसको क्या इसमें कर दो कमेंट नहीं बेटा, दोनों को सेम करना होता है, दोनों सेम, मतलब नहीं कुछ तो हुआ है, चलो अगर हमें देखो यहाँ पे देखो, देखो बेटा अगर हमें लाना है 9, अब हम हिट एंड ट्रायल वाले देखते हैं, 2x प्लस 3y बराबर है 9, हम चाहते हैं x जगह पे ऐसा क्या रख दे कि ये 9 के बराबर आ जाए, देखो x अगर मैं वहां पर रख दू कितने में, दो जोड़ने के बाद तीन तीन, देखो इसको सॉल्व करने के लिए देखो दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर मैं x को 0 के बराबर रख दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3y बराबर किसके आ जाएगा 9 के, तो y बराबर कितने जाएगा 3, ये मतलब इसका इक्वेशन तभी ये पॉसिबल है अगर यहाँ x की वैल्यू क्या रख दे 0 रख दे और y की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दे, तभी ये इक्वेशन वैलिड हो पाएगी,
देखो इसको ग्राफ पे देखते हैं, वही ग्राफ में दिखाया जाता है, ग्राफ में ऐसे कैसे दिखाया कि वो दिखाते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y किसके बराबर है 9 के, और दूसरी वाली इक्वेशन के इसके बराबर है 4x प्लस 6y 18 के इक्वल टू 18 के। ठीक है, देखो हमें दोनों में से x और y की ग्राफ पे दिखानी है, तो हमारे पास तो ग्राफ पे ये होता है, ये हो गया x वाली y, और ये वाली y वाली लाइन। ठीक है, सिंपल से हमने कहा था जब x वाले लाइन पे चलते हैं तो आपको y जीरो रखना पड़ता है, क्या हो जाएगा y, इधर y जीरो होता है और इधर बेटा x जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइन है, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 9/3 कितना हो जाएगा 3, सॉल्व करना आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगी। अब देखो एक क्वेश्चन इससे बन गया, दूसरा ये कर सकते हो आप y की जगह पे जीरो रख दो तो x की जगह पे कितना रखना पड़ेगा वो चेक करना पड़ेगा, 2x प्लस ये और हो जाएगा 9 के। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू में 9, अगर x की वैल्यू रखेंगे 9/2 तो कितना होता है 4.5 तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखो y मान लेते हैं यहाँ पे चलोगे आप 3 हो जाएगा 1, 2, 3, इधर जाओगे 4.5 1, 2, 3, 4 4.5 मान लेते हैं आप, तो ये वाली जो इक्वेशन हो जाएगी ना वो इसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, किस लाइन को 2x प्लस 3y इक्वल टू में 9। ठीक है, ये लिख लो बस, ये दूसरा काम करें हाँ करो। ये देखो ज्यादा कुछ नहीं, ये वाली जो क्वेश्चन है ना उसका सिर्फ दो गुना ही तो है, इसमें अगर आप दो गुना कर दोगे तो यही वाली क्वेश्चन आपको ये मिल जाती है, समझ में आ गया। अगर इसी को देखो यहाँ पे देखो 4x प्लस कितना था 6y बराबर 18 था, मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ हो जाएगा 6y बराबर 18 के, तो y बराबर कितना हो जाएगा 18/6 कितना आ जाएगा, वही देखो आया y की वैल्यू 3 आया। अब देखो अगर y की वैल्यू मैं 0 रख दूँ, ये बराबर 18 के था और यहाँ पे प्लस 4 इंटू में x हो गया, तो 4x बराबर 18, तो x बराबर हो जाएगा 18/4, तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो 2 से पहले काटूंगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, तो 9/2 मतलब 4.5, मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे पे ही लाई करेंगे, समझ आएगी। और जब दो लाइन एक दूसरे पे लाई करती तो वैसे एक दूसरे पे ही आएंगे, तो उसको क्या बोला था अभी मैंने, संपाती बोला, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगी, ये देख लो ये कर लो। देखो यहाँ पे जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं ऐसे होती हैं सीधे ना, एक दूसरे क्या होती हैं पैरेलल होती हैं, या हिंदी बोलेंगे क्या होगी समांतर, समांतर भी होता है। तो इसकी दो इक्वेशन दे रखी हैं, पहले दे रखी है पहली पटरी के x प्लस 2y इक्वल टू में 4, ठीक है पहली वाली लाइन होगी। दूसरी वाली जो पटरी की इक्वेशन दे रखी है वो दे है 2x प्लस 4y इक्वल टू में कितना दे रखा है 12, ये तो तुम्हारी इक्वेशन में दे रखी है ना, जो बीज गणितीय फार्मूला यानी एलजेब्रिक इक्वेशन में दे रखा है। अब इसे हमें दिखाना है उस पे ग्राफ पे, तो देखो दिखाओ एक बार, कोशिश करो रख दो, पैक कर लिया तुम, ये करके दिखाओ फिर चले जाओ तुम, अगर बनता है तुमसे थोड़ा बहुत तो आता, देखते हैं कितना दिमाग लगाते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें दो चीजें निकालनी है, x और y दो वैल्यू निकालनी है, तो x को कौन सी वैल्यू रखते हैं देखो, अभी 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 कहने में यहाँ देख लो, पहले एक बार अच्छे से देख लो जो पहले कराया था हमने, इसी देख लेते हैं। हमने एक बार x को जीरो रखा,
तो y मिल गया, फिर उसके बाद मैंने y को जीरो रखा, x मिल गया, फिर x रखे वही तो बोल रहा हूँ, सुनो फिर से सुनो, मैंने कहा पहले x की जगह जीरो रखा था तो y की वैल्यू मिल गई, अब फिर y की वैल्यू मैंने जीरो रख दी तो x की वैल्यू मिल गई। फिर से सुनो, अभी देखो देखो, मैंने कहा x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y मिलेगी, y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो x मिलेगा, समझ में आया? कोई ना करो जीरो रख के करो, x की वैल्यू तुम्हें तो निकालनी पड़ेगी, वो तो जीरो रखोगे y तो x आएगा, ठीक। x की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी? x की वैल्यू 2 आई, 0 आई है, क्या एक्स की वैल्यू कहाँ टू आ रही है? दिख रहा होगा, देखो एक्स की, देखो पहले एक्स जगह पे क्या रखोगे, जीरो, तो एक्स तो गायब हो गया, अब टू वाई किसके बराबर हो गया, फोर के, मुझे मत देखो वहां, देखो तो टू वाई किसके बराबर हो गया, फोर के, तो वाई किसके बराबर हो जाएगा, फोर बाई टू, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, टू ना। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, y की जगह 0 रख दो तो x किसके बराबर आ जाएगा, 4, तो 2 आ गई। अब उसको ग्राफ पे दिखाओ, 4 x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 आ रही है, तो उसको दिखाओ ग्राफ। अरे करने दे, बताओ मैं नहीं बता रहा, तुम करो खुद, मैं बस लाइन खींच दे रहा हूँ, अब खींचो, दोनों पटरियों की लाइन कहाँ से गुजरेंगी, मैं टाइम दे देता हूँ, 2 मिनट के अंदर अगर कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो फिर मैं करूँगा, ठीक है। क्या हो गया? गॉड, टू थ्री नहीं आएगा बेटा, ग्राफ बताना पड़ेगा इसमें, ऐसे बनाना पड़ेगा, ये देखो ये जो बना है ऐसे आएगा, बता दूं क्या? ठीक है, ये टाइमिंग के बाद बताएंगे, ठीक है करो। हो गया, फर्स्ट करेगा, दिखाओ ऐसे, x पे कितना दिखाया, x पे 6 कहाँ था, 4 था ना, काटने के बाद है ना, x पे सभी x4 कहाँ गया, y 4 है सर, वो सब y 4 है, तो थी x4 तो भी है, अच्छा दूसरे वाली बात कर रहे हो, यस सर, अच्छा अच्छा, लेकिन ग्राफ किसका दिखाया तुम, दूसरे वाले का, अच्छा दूसरे ही था, पहले का दिखा, चलो ठीक है मैं बताता हूँ, एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है, चलो देखो पहले वाले को थोड़ा इसको पतला कर देता हूँ, देखो x की वैल्यू तुमने यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, तो ये लिखा गया है x प्लस टू वाई बराबर कितना लिखा है, 4,
मान लेते हैं x यहाँ पे था ही नहीं, तो y कितना आएगा 4/2, इधर मल्टीप्लाई होता है इधर जाता डिवाइड ना अदर्स, ये कितना हो जाएगा 2, y2 हो गया। अब मान लेते हैं ये y वाला टर्म नहीं है तो सिर्फ x बचेगा, तो x किसके बराबर होगा 4 के, तो यहाँ से क्या क्या आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई ना, ये पहला हो गया, समझ में आ गई बात। अब हम इस पे देखो, ये हमारी x वाली लाइन होती है और ये y वाली लाइन, अब हम नंबरिंग कर लेते हैं, देखो हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 डॉटेड ऐसे जाता रहेगा, y भी कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, ठीक है। अब जितना जरूरत होगी उस हिसाब से हम कर लेंगे। तो हमारा पहला x की जो पॉइंट है वो कितना है, x 4 है, तो 4 यहाँ पे मार्क कर दो, ये 4 हो गया, और इसके बाद y 2 पे है तो ये y हो गया 2, अब इन दोनों को मिला दो, ये वाली जो मिला दोगे, ये जो लाइन होगी ये कौन सी लाइन है, ये पहली वाली लाइन है, इसको लिख दोगे x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये पहली होगी ना, तो उसी तरीके से दूसरा वाला बता दो, दूसरा इस, हाँ तो ठीक है ना, पहले का तू बोला था ना, नंबरिंग कौन लिखेगा, पता नहीं चाहिए किस पे खींचे हो अंदर, हाँ सही है, लेकिन दोनों के साथ होने चाहिए, एक ही ग्राफ पे दोनों आने चाहिए, अलग मत कर देना उसको, नीचे अगली बार से। चलो अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ इसमें x की वैल्यू कितनी आ रही है, इसमें इसको देखते हैं, 6 आ रहा है, हां 6, देखो अगर हम x निकालेंगे तो y भूल जाएंगे, तो हमारे पास 2x बराबर कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना 12, तो कितना जाएगा बेटा 12/2 कितना हो जाएगा 6, क्या, हाँ ठीक, अब सही। इसमें देखो जब हम x निकाल दिए, y निकालेंगे तो बेटा x भूल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4y बराबर 12 ना, तो y बराबर कितना जाएगा 3 ना। अब देखो, अब हम इसको मार्क करते हैं, आदर्श पहले देख लो फिर लिख लेना, फिर जा दोनों हाँ एक ही भी दिखाना है, देखो x y कितना है 3 है, तो y 3 यहाँ पे है, और x कितना है 6, 6 कहाँ पे है, x यहाँ पे है, अब इन दोनों को मिला दो, ये वाली लाइन हो जाएगी, बस इतना सा है सर, मेरा साथ सही है, कर लो, हो गया सर, ठीक है, यस सर। एक और बनाओ, आदर्श बेटा तुम्हें जाना हो चले जाओ, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज है, देखो देखो, अरे इधर देखो, एक्सरसाइज है वो तो कल कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं और क्वेश्चन इसी बता देता हूँ, आपको करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए जिससे। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पहला लिख ले दो, 2x + 3y बराबर मान लेते हैं यहाँ पे 6 है, पहला हो गया, दूसरा हम बोल देते हैं हमारे पास 3x है प्लस 9y इक्वल टू 18, ये दूसरी क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ दो समीकरण है, पहला दूसरा, इनको ग्राफ पे दिखाओ कैसे दिखेंगे, टाइमिंग में लगा देता हूँ 2 मिनट का।
चलो बेटा देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ एक्स वाई को वैल्यू निकालेंगे। देखो इसमें हम पहले x को भूल जाएंगे तो y हमारे पास कितना हो जाएगा 6/3, इसका मतलब कितना आ जाता है 2। y वैल्यू 2 सबकी आई है, yes, इसके बाद y भूल जाएंगे तो x की वैल्यू कितना लिखेंगे 6/2 कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसमें देखो y अगर भूल जाएंगे तो 3x = 18, तो x की वैल्यू 6 और देखो और अगर इसको बोलेंगे तो 9y = कितना हो जाएगा बेटा 18, तो y = 9 2 दोनों 18, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ पे दिखा देते हैं, x की वैल्यू 6 करना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पहुँचोगे, ये 6 हो गया। और क्या है, x की वैल्यू 3 भी है, 1 2 3, ठीक है, ये दो हो गई। और इस वाले के लाइन के साथ ये y की वैल्यू कितनी थी 2, y की सबसे बड़ी वैल्यू 2 ही है, 1 2 3 4 5 6 जाने दो, 1 2 2 पे हमें चलना है, 2 पे दोनों है, तो पहली लाइन इससे जाके इससे ऐसे मिल रही थी और दूसरी वाली लाइन ऐसे जा रही थी ना, बस ये बोल दिया L1 हो गया और ये L2 हो गया, सही है। बस अगर ये L1 है ये L2 है दोनों समझ में आ गया, कहने का मतलब आप लोगों को। प्रश्नावली 3.1 में 3 ही क्वेश्चन है, करवा दे क्या आज ही, हाँ आप लोग क्या चाहते हो जाए, कहने दे कर लो, चलो ठीक है कल ही करेंगे। एक क्यों 10 दिन चल देखो, पहला लिखो 2x + 3y, एक मिनट 27 3y 6y 18 एक ये ले लो बस एक उधर से दे देता है डिवाइड करने वाला 9x² 3x - 9, इसको डिवाइड करना है x + 1 से। एक इससे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, 1 2 3 थोड़ा रिवाइज करते चलो ना, जिससे हो जाएगा आपको गुणनखंड निकालना होगा, किसका निकालना होगा 9x² + 18x - 1 माइनस क्यों प्लस, कभी 1 पाएगा नहीं, ये 2 कर देते आवाज कहाँ से आ रही है, ठीक बेटा बस आगे सुन करते हैं। I think it's a little bit of